rahmatullahi wa barakatuhu, family, friends and viewers. Welcome to Masooda Khan's kitchen. Today I am making goat stew and I have ingredients I will let you know. नाजरीन आप लोगों का मसूदा खान के किचन में इस्तकबाल है. मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से हर वक्त आप लोगों को अल्लाह ताला खुशबाश रखे, अच्छे से रहें आप लोग, तबीयत सबकी अच्छी रहे, वेदर चेंज हो रहा है, अपना ख्याल करें. व्यूअर्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. आई होप एवरी वन इज वेल एंड गुड एंड वेदर इज चेंजिंग एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट हेल्दी फूड. टूडे आई एम making stew and stew without oil, you know. Now I'm trying to not use oil if I can. नाज़रीन आप देख रहे हैं मेरे पास बकरे का गोश्त है 2 कप, 2 कप ऑफ गोट मीट एंड 2 ऑनियन, 2 काइंड ऑफ ऑनियन आई हैव, रेड ऑनियन एंड पर्पल, यू कैन से रेड पर्पल and I have yellow onion. So one cup each and one big onion, 2 onions here. So and let's see, I have 1 cup of tomato here, green, and this is my home tomato, like my garden tomato. So I cut it here. If you don't want to use the tomato, it's up to you. So tomato gives you flavors and has many benefits. And I am using today's ingredients. I have 1/8 cup of lemon, not full lemon juice actually. You can use fresh lemon too. नाजरीन आप देख रहे हैं मैंने टमाटर लिया है 1 कप, हरा है ये, घर का टमाटर है और हरा है, उसमें थोड़ा सा लाल है ये टमाटर. और मैं 2 टेबलस्पून 1/8 कप जो है वो लेमन जूस है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ. इसमें डालूंगी इंग्रेडिएंट्स में अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला एंड 1/4 टीस्पून ये काली मिर्ची जिस ब्लैक पेपर एंड दिस इज जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट. आई एक्सप्लेन टू यू एंड आई हैव हियर गरम मसाला 1 टीस्पून, आई हैव 1/2 टीस्पून, आई हैव ब्लैक पेपर, यू नो ग्राउंड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, क्यूमिन सीड्स मतलब जीरा और काली मिर्ची, हल्दी 1/2 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट है. और यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ दिस, दिस इज हार्ट शेप वाइज लुकिंग बिगर बट दिस इज द सेम 1/2 टीस्पून. सो नाजरीन देख रहे हैं हल्दी बड़ा लग रहा है देखने में लेकिन ज्यादा नहीं है और आधा आधा टीस्पून है. और यहाँ पे 1 मिर्च ली हुई है, ग्रीन पेपर 1 खट एंड 2 क्लोव्स, 2 ग्रीन पेपर कार्डेमन हरी मिर्ची 2, अब 1 ली हुई है कट कर दी हूँ मैं, 2 जो है लौंग है, 2 छोटी इलायची और 2 जो है वो मैंने डाली है रेड जो है पेपर मतलब लाल मिर्ची गोल और 2 तेज पत्ते. तो ये मेरे आज के इंग्रेडिएंट्स है, चले मैं बनाती हूँ. इफ़ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर, शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now I'm going to put first here, Bismillahirrahmanirrahim. I'm using first spices like here and then I'm going to put my meat. It is not that difficult and my flame is very high, like and I'm going to cook. I step by step I'm going to I'm putting onion together because onion has to cook first and then I will put my other spices. नाज़रीन मैं पहले गोश्त डाली हूँ बकरे का, उसके बाद मैंने प्याज डाला है और देखा आपने पहले मिर्चा और तेजपत्ता सब डाल चुकी हूँ. मैं धीरे धीरे इसके में चीज़ें डालूंगी. आई एम गोइंग टू यूज स्टेप बाई स्टेप माई स्पाइसेज. आई एम यूजिंग and if you want to use pressure cooker, of course you can use it it will help you to make sooner. And I am going to use pressure cooker too because I have to cook little bit here.
mix together with spices and then I will put it in pressure cooker. Nazreen, ab dekh rahe hain main dheere dheere jo hai sara masala dal rahi hu aur uske baad mein main pressure cooker mein dalungi kyunki pressure cooker mein jaldi ban jata hai. Abhi maine lemon nahi dala hai aur maine wo nahi dala hai tomato. Or up to you, if you want to use tomato, that's fine. If you don't want to, that's fine too. So, Nazreen, ab dekh rahe hain, maine sab kuch masala dal chuki hu. Aur main dheere dheere isko main bhoon rahi hu. Allah Taala se dua hai ki Allah sabko sehat ke saath rakhe aur acha khana khaye, healthy khana khaye. Aur khana jo hai wo सेहत के साथ रहें. अल्लाह ताला से हमारे लिए भी दुआ करें कि मैं इसी तरह से आप अपना अपने जो खाना बनाती हूँ शेयर करूँ हेल्दी फूड. और इट इज़ वेरी टेस्टी बिकॉज यू नो आई एम पुटिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट ऑयल यू नो एंड आई ट्राई टू यू नो गेट इट फैट. आई डोंट हैव फैट हियर. यू कैन सी माय मीट इज टोटली क्लीन लीन फ्री. एंड नाजरीन आप देख रहे हैं मैंने पूरी चर्बी निकाल दी अपने गोश्त की. चर्बी बहुत होती है बकरे में और इसको पूरी कोशिश की हूँ कि ये मैं निकाल दूँ. तो ये मैं निकाल चुकी हूँ बकरे के गोश्त से सारी चर्बी और बगैर देखिए उसके बना रही हूँ तेल के आपके सामने. तो तेल डालना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है तेल की यहाँ पर. जहाँ पे ज़रूरत है इफ यू यू नो इफ समटाइम्स यू नीड ऑयल देन इट्स ओके. हियर यू डोंट नीड ऑयल दैट्स द क्वेश्चन. सो एंड आई हैव स्मॉल पीसेस यू कैन सी नाजरीन. आप देख सकते हैं नाजरीन मैंने छोटी छोटी बोटी काटी है क्योंकि ये रोटी के साथ स्टू जो है खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये सारा इसमें मसाला तैयार हो जाएगा और वो रोटी या चावल दोनों के साथ खा सकते हैं. व्यूअर्स यू कैन सी आई कट इट वेरी स्मॉल पीसेस. Normally when you my hometown I always learn from my grandma, my mom, it was big pieces, but now I am not using big pieces and I am using small pieces. You can eat with roti paratha, you can eat with rice, and this is stew I'm making, and it is very easy to make.